हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दाना हले। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो टैक, वेलकम बैक करते हैं आपको एक और मजा सी कंपैरिजन वीडियो के अंदर, जो कि होने जा रहा है दो बेस्ट फोन्स के अंदर। एक तो पहले ही लॉन्च हो चुका है एक बड़ी साइड का फ़ोन है, जो कि अपर मिड रेंज का फ़ोन है, जो कि इन्फिनिक्स का 034G, और जिसका मुकाबला हम आज करने जा रहे हैं एक बजट या फिर प्रॉपर मिड रेंजर फ़ोन, जो कि बजट सेगमेंट से निकल के आया फ़ोन और सीधा जा घुसा है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर। वो है टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस, जो कि न्यूली लॉन्च फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर हलचल मचा दिया, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार से स्पेसिफिकेशन लेके आ रहा है और अपने से बड़े वालों को ना ललकार रहा है, ओ भाई आया आया जा रहा, ये वाला सीन हो रहा है। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के इन्फिनिक्स 034G से, क्योंकि दोनों ही भाई हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों भाई हैं, अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जरा अपने अपने फोन लॉन्च करते हैं। बिना किसी देर से जल्दी से करते हैं अपने कंपैरिजन वीडियो का आगाज, लेट्स गो। अच्छा जी, तो दोनों फोन आ चुके हैं दंगल के अंदर। एक तरफ है टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस और दूसरी तरफ है इन्फिनिक का 034G। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो दोनों के अंदर प्लास्टिक व्हील देखने को मिल जाती है, फ्रंट दोनों के अंदर कर्व्ड एमोलेड पैनल्स देखने को मिल जाते हैं, कर्व्ड है दोनों के अंदर डिस्प्ले जो है इनकी ग्लास के ऊपर वो दोनों कर्व्ड दिए गए हैं। बैक पर आपको प्लास्टिक डिज़ाइन, ओवरऑल सारा प्लास्टिक डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर उन दोनों के डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के अंदर आपको 6.678 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके साथ आपको 1080p की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है रेजोल्यूशन, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। प्लस इसके अंदर आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है और कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है ये एक। इन्फिनिक्स 034G की बात कर ली जाए तो यहाँ भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एक 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और 1080p की रेजोल्यूशन आती है इसके साथ। गोरिल्ला ग्लास की 5 सपोर्ट देखने को मिल जाती है प्रोडक्शन वाइज, और कर्व्ड एमोलेड इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ मुकाबला टाई हो जाता है, दोनों सेम ही आते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए दोनों के प्रोसेसर की, तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के अंदर आपको मीडियाटेक का ही G99 अल्टीमेट देखने को मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, एक साथ आपको मालिका G57 GPU देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स 034G की बात कर ली जाए तो यह भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन यानी सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मीडियाटेक का ही G99 जो 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, इसके साथ आपको मालिका G57 GPU देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर के बिना की बात कर ली जाए तो दोनों ही सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क आता है। ये इसी तरह जैसे पाकिस्तानी ब्रांड है या मोटरसाइकिल ब्रांड है ना, वो सिर्फ बाकी कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ स्टिकर चेंज कर देना, इसी तरह इन जो है ना मीडियाटेक ने भी अब सिर्फ नाम चेंज कर दिया, अल्ट्रा अल्टीमेट करके निकाल दिया, बाकी अंदर की स्पेसिफिकेशन दोनों के अंदर सेम देखने को मिल जाती है, तो यहाँ मुकाबला हो जाता है टार। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए यहाँ रैम और स्टोरेज ऑप्शन की, तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के अंदर आपको 8GB की रैम और 256GB की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स 034G की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और USF 2.2 की फास्ट स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाती है। टेक्नो के अंदर किसी किस्म का फास्ट स्टोरेज ऑप्शन का मेंशन नहीं किया गया, इन्फिनिक्स की आपको 030 के अंदर USF 2.2 देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी खुशाम है और काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ एक पॉइंट चला जाता है इन्फिनिक्स का 034G को अपनी USF 2.2 की वजह से। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए इन दोनों के कैमराज की, तो टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है F1.8 अपर्चर के साथ, और इसी के साथ आपको 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी कैमरा देखने को मिल जाता है, या सिर्फ आपको डुअल कैमरा सेट देखने को मिल जाता है। बैक पर जो डिज़ाइन दिया गया वो आपको लगता होगा 4 कैमरे वाला डिज़ाइन है, पर नहीं, आपको सिर्फ डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है। 034G की बात कर ली जाए तो यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा सेट देखने को मिल जाता है, 108 मेगापिक्सल का F1.7 अपर्चर के साथ मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। अगर कैमरा की बात कर ले कौन सा बेहतर निकल के आता है, तो सब बेहतर हमें कैमरा सेट देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स का 034G की तरफ से, क्योंकि ये इसके बड़े भाई की तरफ से ही आता है, जो कि इन्फिनिक्स का 035G है, तो उसके अंदर भी स्पेस स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ भी सेम ही रखी गई हैं काइंड ऑफ, तो कुछ बेहतर स्लाइटली एज ले जाता है इन्फिनिक्स का 034G अपने
108 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा की वजह से। बाकी टेक्नो का स्पॉट 20 प्रो प्लस भी बुरा नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छा से कैमरा सेटअप है। दोनों की अगर बैटरी कैपेसिटी और फास्ट चार्जिंग की बात कर ली जाए तो टेक्नो स्पॉट 20 प्रो प्लस के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 3300 की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इनफिनिक्स 034G की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप भी आपको सेम 5000 mAh की बैटरी मगर फास्ट चार्जिंग यहाँ बेहतर दी गई है क्योंकि 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल जाता है इनफिनिक्स का 034G को अपनी बेहतरीन फास्ट स्टोरेज ऑप्शन फास्ट चार्जिंग की वजह से। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए दोनों की प्राइस की, जो कि भाई मेन मुद्दा है दोनों के मुकाबले का कि कौन सा बेहतर दे रहा है प्राइस, हमें तो प्राइस से मतलब है। टेक्नो स्पॉट 20 प्रो प्लस का आपको 56,000 रुपये का ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है और इनफिनिक्स का 034G आपको 65,000 रुपये का देखने को मिल जाता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अब, क्योंकि जब पहले लॉन्च हुआ था ये 70,000 रुपये तक था, 68,000 का था, मगर अब आप डिस्काउंट करके तकरीबन 65,000 रुपये का पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस की बात कर ली जाए तो तकरीबन 9,000 रुपये का देखने को मिल जाता है प्राइस डिफरेंट टोटल, जो कि काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंट है। और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर ली जाए तो कुछ ऐसा खासा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ इक्का दुक्का दो जगह की आपको मेन डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर और बैटरी फास्ट चार्जिंग और फास्ट स्टोरेज ऑप्शन भी आपको थोड़े बेहतर देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो डिटो सेम स्पेसिफिकेशन रखी गई हैं मगर आपको 9,000 रुपये कम भी देखने को मिल जाता है। जिसको भी कंसिडर किया जाए तो हमारा आज का विनर निकलता है टेक्नो का स्पॉट 20 प्रो प्लस अपनी बेहतरीन प्राइस और एक बैलेंस स्पेसिफिकेशन की वजह से। तो ये था इन दोनों का कुछ स्पेसिफिकेशन रिव्यू। तो अगर बात कर ली जाए दोनों के फाइनल थाट्स की तो ये हैं दोनों फोन्स के कुछ फाइनल थाट्स। अच्छा जी, अगर इन दोनों के फोन्स के फाइनल थॉट की तरफ नज़र दड़ाई जाए तो दोनों फोन्स काफ़ी हेड टू हेड चल रहे हैं। मैंने पहली बात की है कि दोनों अलग ही सेगमेंट के फोन्स हैं, एक आपको मिड रेंजर सेगमेंट जो कि अभी फॉलो हुआ है, एक बजट से उठ के आया, एक मिड रेंजर में है और दूसरा जो अपर मिड रेंजर सेगमेंट का फ़ोन है। दोनों काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन उस लिहाज से कर रहे हैं, अपर मिड रेंजर के अंदर आपको जनरली यही स्पेसिफिकेशन दो तीन महीने पहले की बात की जाए तो यही देखने को मिलती है, मगर अब जो फोन्स आ रहे हैं बजट से भी उठ के ज़रा ये मिड रेंज वाले फोन्स वो भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं और वो भी अपनी लीग से ज़रा ज़्यादा बड़े फोन्स को साथ मुकाबला कर रहे हैं। इन्फिनिक्स या टेक्नो दोनों काफ़ी अच्छी कंपनीज है, काफ़ी अच्छी कंपिटेटिव फोन्स बनाती हैं और फ्रीक्वेंटली लॉन्च करती हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना रहता है। टेक्नो जो है एक फ्रेश डिज़ाइन के साथ, एक फ्रेश लुक, एक फ्रेश स्पेसिफिकेशन के साथ है। इंटेलिजेंस कुछ खास कुछ न्यू नहीं है, ये मिलता जुलता हमें कुछ फोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है ऊपर नीचे करके, मगर यहाँ पर आपको बैलेंस स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश की गई है जिसकी वजह से ये फोन्स काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल बढ़ जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। और फिलहाल मार्केट के हालात की बात कर ली जाए 40 से 60,000 की प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बेहतर फोन तो नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात कर ली जाए इन्फिनिक्स जो है अपर मिड रेंज का फ़ोन है, वो अलग सेगमेंट के अंदर फॉल करता है पर अब थोड़ा पुराना हो चुका है, अब वो एक मिड रेंज सेगमेंट तक कंपेरेबल बन जाता है क्योंकि आप काफ़ी नीचे आ चुके हैं। आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखें वो हमें थोड़ी पुरानी लगेंगी, जो कि ये नए फोन आ रहे हैं उनकी स्पेसिफिकेशन वही स्पेसिफिकेशन हमें कम प्राइस रेंज के अंदर दे रहे हैं, मगर कुछ अरसे तक या कुछ महीने अगर पीछे जाया जाए तो यही प्राइसिंग यही स्पेसिफिकेशन हमें थोड़ी ज़्यादा प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल रही थी क्योंकि अपर मिड रेंज का सेगमेंट हो जाता है, मगर अब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुका हुआ है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि इस फोन को बाय करने के तो अभी बाय कर सकते हैं। टेक्नो स्पार्क जो है अब मिड रेंजर से निकल के टोटली जो इनका बड़ा जो है ये स्पार्क सीरीज जो है एक ट्रूली बजट सीरीज है टेक्नो की तरफ से। अब ये जो है ना टेक्नो की स्पार्क सीरीज बजट में भी फोन्स लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको चार टोटली फोन्स देखने को मिल जाती है, स्पार्क 20C, स्पार्क 20, स्पार्क 20 प्रो और स्पार्क 20 प्रो प्लस। ये चार फोन हमें इस मार्केट के अंदर देखने को इस फोन रेंज के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर अगर दो की बात कर ली जाए तो वो ट्रूली बजट है, बाकी दो जो है वो मिड रेंज और लोअर मिड रेंज कह सकते हैं आप आते हैं, जो कि तकरीबन 40 से 60,000 की प्राइस रेंज के अंदर फॉल करते हैं। एक तो लॉन्च हो चुका है जैसे टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो प्लस और एक रह चुका है जो कि टेक्नो का स्पार्क 20 प्रो, वो भी जल्द टेक्नो की तरफ से लॉन्च हो जाएगा, वो भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल मचाएगा। मिड रेंज सेगमेंट जो है ना वो कन्फ्यूज सा हो चुका है क्योंकि ये 40 से 60,000 की प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोन आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है जिसकी वजह से ये कंज्यूमर के लिए तो फ़ोन चूज़ करना बहुत मुश्किल हो चुका है, कन्फ्यूजन बन चुकी है। आप एक फ़ोन बाय करने का सोचते हैं दूसरा फ़ोन आ जाता है जो कि इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा होता है थोड़ी ऊपर नीचे करके,
पर बंदा कंफ्यूज हो जाए कौन सा बेहतर है, कौन सा लेना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली मार्केट बन चुकी है, इसीलिए हम इन्हें इनके अंदर ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से बता सके कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहिए स्पेसिफिकेशन वाइज। तो आज का जी हमारा यही था कुछ स्पेसिफिकेशन रिव्यू इन दोनों फोन्स का। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों का स्पेसिफिकेशन रिव्यू पसंद आया, और अगर आपको दोनों का ये फोन का स्पेसिफिकेशन रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।